बिहार में जनप्रतिनिधियों के ऊपर एक के बाद एक हत्याएं हो रही है और सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। देखा जाए तो अब तक कई ऐसे जनप्रतिनिधि को हत्या कर दिया गया जो समाज में अहम कदम कर रहे थे। और देखिए अभी दीपक मेहता जो दानापुर के नगर उपाध्यक्ष थे, उपमेयर थे, उनको हत्यारा जो हत्या कर दिया गया है। और यहाँ पर जो है लोग हाथ में कैंडल लेकर के कैंडल मार्च कर रहे हैं। सवाल यही है सरकार से कि आखिर कब तक ये लोग हाथ में कैंडल लेकर के कैंडल मार्च करते रहेंगे, कब तक जनता जो है हाथ में कैंडल लेकर के घूमते रहेगी, कब तक? सवाल यही है। और क्या जो है बिहार में जनप्रतिनिधियों के ऐसे ही खून की धारा बहते रहेगा, क्या जनप्रतिनिधि ऐसे ही गोली खाते रहेगा? तो सवाल यही है कि जब जनप्रतिनिधि के ऊपर एक कार्य हत्या होते रहेगा तो कैसे लोग जनता को सेवा करेंगे? जब जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित है, बताइए? सोचने की बात है। देखिए लोग हमारी मांगे 24 घंटों के अंदर, 24 घंटा का टाइम मिला था, 24 घंटा का टाइम मिला था, अभी 72 घंटा होने वाले हैं, 72 घंटा होने वाला, अभी तक ना हत्यारा मिला, ना इंसाफ मिला, ना कोई पुलिस प्रशासन से बात कर रही है। हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, सीबीआई की मॉनिटरिंग हो, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में सीबीआई की जांच हो, जितने इसमें रहेंगे तो उनको फांसी हो, और जल्द से जल्द इस मामले की सीबीआई जांच हो, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। बोलिए बोलिए। मुफ्त में कह दो चूड़ियां पटना के बाजारों में, क्योंकि हिजड़े बैठे हैं सदन और सरकार में, मुफ्त में कर दो चूड़ियां पटना के बाजार में, सारे हिजड़े बैठे हैं सदन और सरकार में, मुफ्त कर दो चूड़ियां पटना के बाजार में, सारे हिजड़े बैठे हैं सदन और सरकार में। पूरे थाना और न्यायालय में दलाल बैठा है कि तुम हत्या करो, वो दलाल उसके साथ है। पूरे थाना और न्यायालय में दलाल बैठा है, दलाल कहता है कि तुम हत्या करो, दलाल उसके साथ है। मुझे दीपक भैया के परिवार की सुरक्षा की भी मांग करते हैं, और उनका हत्यारा उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, उसको फांसी की सजा दी जाए। बोलिए सर। हमारे बीच अब दीपक मेहता जी नहीं रहे, उसके उनके शोक में हम लोग आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और नसीहत है गरीबों के लिए। बहुत जहाँ से भी कुछ होता था तो हमें और सभी लोग मोहल्ले वासियों को इतना ज़्यादा मदद करते थे कि आज उनके घर पे उनका चहर के क्रिमिनल ने गोली मारा है, और छोटे छोटे बच्चे का आज क्या बुरा हाल है, उनकी पत्नी का क्या बुरा हाल है, वो मोहल्ले वाले से पूछिए। हम लोग सरकार से, हमारे प्रशासक से, प्रशासन से जितना जल्दी शीघ्र शीघ्र जो क्रिमिनल है, जो उनको गोली चलाया है, उनको कम से कम उनको पकड़ने का, बंद करने का, दंड का देने का सजा काम करें। बस न्याय चाहिए, और आज 4 दिन हो गया है, आज 4 दिन हो गया, किसी तरह की गिरफ्तारी नहीं हुआ है, किसी तरह का गिरफ्तार नहीं हुआ है। दीपक भैया हमें बस न्याय चाहिए, नहीं तो आगे चल के बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। कुशवाहा समाज खून का आंसू रो रहा है, हमको न्याय चाहिए। दीपक भैया का जो हत्यारा है उसको फांसी होना चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। दीपक भैया को एकदम न्याय चाहिए। सभी लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर कारगिल चौक के पास अभी जो है पूरा जो यहाँ के लोग हैं किस तरह से हाथ में कैंडल लेकर के यहाँ पर सड़क पर उतरे हुए हैं, और कारगिल चौक पर अभी हैं। तो दीपक मेहता जो दानापुर के उप मेयर थे और जनता के बीच में रहते थे, जनता को सेवा करते थे, और आज तक यही हो रहा है कि जो जनता को सेवा किया है उसको जो है हत्या कर दी जा रही है, जो समाज में अच्छा काम कर रहे हैं उनको जो है हत्या की जा रही है। तो आखिर कब तक ऐसे चलते रहेगा बिहार में, कब तक ऐसे होते रहेगा? क्या ये लोग कैंडल हाथ में लेकर के घूमते रहेंगे, कब तक ये लोग कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? सोचने वाली बात यही है, और बिहार में आए दिन हत्या हो रहा है। सवाल यही है कि कब सिर्फ अपराधियों को पकड़ने, अपराधी जब पकड़ लिया जाता है उसको सजा भी नहीं दिलाया जा रहा है, अपराधी को सिर्फ जेल में बंद
रखा जा रहा है। तो यही हो रहा है बिहार में, और देखिए किस तरह से लोग आक्रोशित हैं, किस तरह से लोग जो है सड़क पर उतरे हुए हैं, किस तरह से लोग जो है यहाँ पर उतरे हुए हैं और हाथ में कैंडल लेकर के अभी कारगिल चौक के पास आए हुए हैं। तो सवाल यही है कि आखिर कब तक ये लोग कैंडल मार्च करते रहेंगे, कब तक जो है ये जनप्रतिनिधियों के ऊपर हत्या होते रहेगी। और देखिए यहाँ पर क्या कुछ करना चाहते हैं, जैसे कि आए दिन देख रहे हैं बिहार में किसी न किसी कुशवाहा नेता का मर्डर हो जा रहा है, इसमें पुलिस प्रशासन किसी तरह की कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है, और हर दिन हमारे कहीं ना कहीं एक बड़े दिग्गज नेता को हम खो दे रहे हैं। हमारी सरकार से आग्रह है जल्द से इसकी गिरफ्तारी कर इसको फांसी की सजा दी जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए देखिए सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से कैंडल मार्च कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पूरा जो है, बोलिए सर, बोलिए। बिहार में जो है लगातार एक के बाद एक हत्याएं हो रही है, और कब तक आप लोग कैंडल मार्च करेंगे? सिर्फ आप लोग का यही काम बच गया कैंडल मार्च करना। कैंडल मार्च कैसे करें, विद्रोह नहीं दिखाइएगा तो सरकार समझ में आएगा सरकार के? सरकार तो आए दिन देखिए कि हर घड़ी तो मर्डर हो रहा है, हर घड़ी लूटपाट हो रहा है, सरकार कहाँ उस पर कुछ कर रही है? ये भी देखिए लगातार सिटी में हुआ, यहाँ हुआ, हुआ हुआ लगातार तो क्राइम हो ही रहा है, क्राइम कहाँ रुक रहा है? इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं उनके आत्मा की शांति के लिए, और अपना आक्रोश जनता को सामने, कानून के सामने रखने के लिए। अभी आइए आप और कुछ जो लीडर है यहाँ पर आए हुए हैं कुशवाहा, और देखिए यहाँ पर जो है राजद के नेत्री मधु मंजरी हैं, मैम क्या कुछ कहना चाहती हैं? देखिए कि आए दिन पूरे बिहार में हत्याएं हो रही है, और खास करके कुशवाहा के नेताओं के खास करके टारगेट किया जा रहा है, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, जो भी आगे उभर रहे हैं फायर ब्रांड नेता हैं, उनकी हत्या हो रही है। पिछले दिनों दीपक मेहता जी के जो दानापुर के उपाध्यक्ष हैं, नगर उपाध्यक्ष हैं, उनकी हत्या हो गई, और इस पर नीपापोती किया जाता है। हम लोग का मांग है कि स्पीड ट्रायल हो इस पर, और जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। देखा जाए कि नीरज मुखिया हत्याकांड हुआ था, सिर्फ अपराधियों को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया है, उसको अभी तक कोई सजा नहीं मिला है। परिवार वालों को देखा जाए तो परिवार वालों को उनको सुरक्षा के लिए जो उनकी लाइसेंस की मांग की जा रही थी वो भी नहीं हो रहा, लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार वो लोग की शिकायत है। सब उन्हीं का नहीं, जिनके यहाँ भी इस तरह की हादसा हो जाती है या जिनको लगता है कि खतरा का अभाव है, उन लोगों को अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, और किसी को लाइसेंस नहीं दिया जाता, पहली बात की है। और दूसरी बात कि अपराधी जो पकड़ा जाता है तो ये इन लोग तो छुटमुटिया अपराधी हैं, इनके पीछे जिनका हाथ होता है उनको पकड़ना चाहिए। आप एक किसी को आप लेकर के आ जाते हैं, बोलते हैं 18 साल का, 16 साल का, 20 साल का बच्चा अपराध किया है, उनको क्या जरूरत है किसी को मारने की? इसके पीछे जिनके हाथ होनी चाहिए उनको पकड़ना चाहिए, और उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। तो सवाल यही है कि क्या बिहार में ऐसे ही जनप्रतिनिधियों के खून के धारा बहते रहेगी? क्या जनप्रतिनिधि ऐसे ही कुर्बानी देते रहेंगे? क्या जो है एक ही समुदाय के, एक ही समाज के नेता सीने पर गोली खाते रहेंगे और सरकार चुप्पी साधे रहेंगे, कुछ करा एक्शन नहीं लेंगे? सवाल यही है। और आए दिन जनप्रतिनिधियों के ऊपर हत्या हो रहा था, सोचिए कि बिहार में कितना जो है अपराध बढ़ चुका है। कल की बात मैं कर रहा हूँ, कल राजा बाजार में एक कसाई एक भुट्टा बेचने वाली महिला को गला रेट कर हत्या कर दिया, तो इतना अपराधी चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार कोई कड़ा एक्शन नहीं ले रही है। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए, हम आप लोग को यहाँ की अपडेट देते रहूँगा। आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया न्यूज, चित्रंजन कुशवाहा के साथ, नमस्कार, जय हिंद।